हेलो दोस्तों नमस्ते स्टडी विथ एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने यूनिट कोड सेंटर कोड रोल नंबर पर्सन पुस्तक सीरीज़ ये सभी इनमें से या कोई एक चीज़ मैंने गलत वहाँ पर भर दी है वो मार्कशीट के अंदर तो अब हमारा क्या होगा मेरी कॉपी आगे चेक होगी या नहीं होगी मेरा रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सटीक एवं ऑथेंटिक इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में घंटे का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको यहाँ पर कॉन्स्टेबल भर्ती से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन मिल सके तो मित्रों आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे मेरे पास में कि सर मैंने यूनिट कोड गलत भर दिया है सेंटर कोड गलत भर दिया है या फिर रोल नंबर गलत हो गया या पर्सन पुस्तक सीरीज तो मित्रों ये समस्या आपके साथ में नहीं है यह बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ये समस्या आ रही है इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये करना चाहता हूँ कि आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इस वीडियो में मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मित्रों आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं अगर आप राजस्थान के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनकेडमी लर्निंग एप डाउनलोड करके अपनी तैयारी जारी रख सकते हो वहां पर दोस्तों विभिन्न भर्तियों के लिए जो है कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं जैसे पटवार के लिए उन्नीस नवंबर से वहां पर क्रेश कोर्स प्रारंभ हो गया है तो वहां पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आरपीएससी टेन कोड का यूज करने पर आपको दस छूट मिल जाएगी दोस्तों तो जल्दी जाइए आप और सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी जारी रखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मित्रों मैं आपको इसमें से बताना चाहता हूँ कि सबसे गंभीर समस्या कौन सी इसमें रहने वाली है रोल नंबर की अगर बात की जाए दोस्तों अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया नाइन्टी नाइन परसेंट चांस है कि आपकी कॉपी नहीं जचेगी दोस्तों क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो कॉपियाँ चेक होती है वो ओम आर बेस से कॉपियाँ चेक होती है कंप्यूटर की सहायता से और जैसे नोटों की गिनती होती है उसी प्रकार से सारी कॉपियाँ चेक होती है तो उसमें सिस्टम एक सॉफ्टवेयर में सिस्टम रहता है कि जिसमें रोल नंबर वगैरह या कुछ त्रुटि हो तो वो स्वतः ही रिजेक्ट हो जाती है वो कॉपी तो वो आपकी कॉपी वहाँ पर नहीं चेक होती है तो इस वजह से अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया है तो चांस कम है दोस्तों कॉपी चेक होने का उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों यूनिट कोड सेंटर कोड और प्रश्न पुस्तक सीरीज इनमें भी अगर आपने गलती की है तो दोस्तों इनमें आपका चांस रहेगा फिफ्टी फिफ्टी परसेंट अब फिफ्टी फिफ्टी परसेंट क्यों रहेगा दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि राजस्थान के अंदर जो भी बारह से तेरह लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया था राजस्थान पुलिस का उसमें से आप मान के चल सकते हो दोस्तों लगभग चालीस से पचास हज़ार स्टूडेंट के सामने ये समस्या आ रही है इनमें से कोई ना कोई इशू उनको हो रहा है कि मैंने यूनिट कोड या सेंटर कोड रोल नंबर या पर्सन पुस्तक सीरीज कुछ मिस्टेक की है तो ये गंभीर मुद्दा हो सकता है और मुख्यालय अगर इनको संज्ञान में ले उनके सामने ऐसा आए कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो उनको करेक्शन कर सकता है क्योंकि दोस्तों रोल नंबर आपको पता है कि बहुत ही कम केस होता है रोल नंबर गलत भरने का तो कोई गलती से अगर हो जाता है चांस मिस्टेक लेकिन रोल नंबर कोई गलत नहीं बढ़ता इनमें से कोई भी मिस्टेक साथ में हो सकती है लेकिन रोल नंबर का चांस कम रहता है तो इनका प्रतिशत बहुत ही कम है जिन्होंने रोल नंबर गलत भरा है और सेंटर कोड यूनिट कोड इनका बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है तो हो सकता है इन इनपे संज्ञान लिया जाए और आपका रिजल्ट जारी हो सकता है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों और अगर आपके अच्छे मार्क्स भी बन रहे हैं दोस्तों तो फिजिकल आप जारी रखिए क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि वो रिजल्ट आपका जारी कर दे तो आपको घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं और बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी कमेंट आएगी सर मैंने जो है रोल नंबर गलत भर दिए थे उसके बाद में मैंने काट के उनको सही भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने अच्छे तरीके से वापस उसमें फिलअप कर दिया है तो कॉपी आपकी चेक हो जाएगी और बहुत सारे कह रहे हैं सर मेरा गोला मैंने जो गोला भरा था वो बाहर निकल रहा है उसमें से मतलब जो भी मैंने काला किया था उसको पेन से तो वो थोड़ा सा बाहर हो रहा है तो देखो दोस्तों उसमें साफ साफ आपने इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे उसमें सारी जानकारी आपको दे रखी है कि अगर आपने दो गोले हैं और उनको दोनों को टच अगर करवा दिया है यहाँ पर तो चांस कम रहते हैं अगर बाहर निकल गया थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन टच नहीं होनी चाहिए आपस में क्योंकि टच होने के बाद पता नहीं रहता है कि कौन सा प्रश्न कौन से का यहाँ पर आंसर है इस वजह से तो आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है और रिजल्ट का वेट कीजिए अच्छे नंबर है तो फिजिकल की तैयारी कीजिए और मैं रोल नंबर जिन्होंने गलत भरा है उनको भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि आपको भी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और आपकी कॉपी वहाँ पर चेक हो जाए तो आप भी फिजिकली की तैयारी जारी रखिए अगर नहीं भी होती है दोस्तों तो कोई बात नहीं है आगे आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी दिल्ली पुलिस ग्राम सेवक पटवारी वनपाल वन रक्षक इतनी सारी वैकेंसी आपके सामने है और यह नहीं कि राजस्थान पुलिस की लास्ट वैकेंसी है बहुत सारी वैकेंसी आगे आने वाली है बजट बजट के अंदर घोषणा होने वाली वैकेंसी की ऐसा ही कि लगभग साढ़े सात सौ पदों की वैकेंसी आने वाली है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है यह नहीं कि आपका यह अंतिम ही फॉर्म था ठीक है तो आप आराम से आगे की तैयारी भी कर सकते हो और साथ साथ में फिजिकल की तैयारी भी कर सकते हो इससे संबंधित जानकारी देखो दोस्तों आपने बहुत सारी जगह देखा होगा सबने कुछ ने क्या बता रखा है कि हाँ रोल नंबर गलत भर दिया तो भी कॉपी चेक हो जाएगी देखो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ कोई गलत जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवाना चाहता हूं हो सके तो आप किसी जानकार से इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो जानकारी आपको वो ही दे सकता है जो पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसको नॉलेज है दोस्तों वही आपको इसके बारे में जानकारी दे सकता है या किसी के साथ में पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो और उसकी कॉपी अगर चेक हो गई हो उसका रिजल्ट जारी हो गया तो वो ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा सकता है अन्यथा कहीं पर भी आपको ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि दोस्तों पुलिस मुकेल ऐसा कहीं भी नहीं लिख रखा है कि आपकी ये चीज़ गलत हो जाएगी तो आपको वहाँ पर संपर्क करना है वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट पी जा रहे हैं कोर्ट में देखो दोस्तों ये फालतू की बातें हैं इसमें फंसने में कोई आपका जो है फायदा नहीं होने वाला है आप तो केवल कनेक्टिविटी रखिए अगर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में समस्या हो रही है तो उनसे संपर्क रखिए अगर आपका भी सही होगा तो उनका भी निश्चित रूप से वहाँ पर जो है सही पेपर वहाँ पर जो कॉपी है वो सही चेक हो जाएगी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और रिजल्ट तक वेट कीजिए उसके बाद अगर आपकी कॉपी चेक नहीं होती है, तो आप फिर आगे जो भी प्रोसेस आप कर सकते हो क्योंकि ये नहीं है कि दोस्तों अगर आपकी कॉपी चेक नहीं हुई है और सबकी हो गई और उसके बाद में कोई भी कार्रवाई इस इसमें नहीं हो सकती है बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनको दो दो तीन तीन साल भी पुलिस की वैकेंसी निकल जाने के बाद उनकी नियुक्ति हुई है कई केसे ऐसे सामने हैं तो कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास में ये वीडियो पहुँच जाए और उनको वहाँ पर ये जानकारी प्राप्त हो जाए फिलहाल के लिए थैंक यू धन्यवाद